नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के किबिथू में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा किबिथू देश का पहला गांव है, आखिरी नहीं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने मॉक ड्रिल के अंतर्गत कोविड से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्टार्टअप की संख्या 300 गुना बढ़ी। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को महिलाओं, युवाओं और बच्चों की डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारत की नीति बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें शांति चाहिए, लेकिन कोई हमारी एक इंच भूमि पर भी कब्जा नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि हमारी सीमा और सुरक्षा बलों के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। श्री शाह ने यह बात अरुणाचल प्रदेश में अंजो जिले के किबिथा गांव में आज वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की शुरुआत के बाद कही। सुई की नोक जितनी भूमि का भी अतिक्रमण कोई नहीं कर सकता, क्योंकि आईटीबीपी और भारतीय सेना यहां पर उपस्थित। यहां पर 13,000 फुट की ऊंचाई पर कठिनाई के साथ अपने युवानी को बिताते हुए अपने परिवार से दूर, बूढ़े माँ बाप और छोटे बच्चों के से दूर रहकर देश की सेवा कर रहे। श्री शाह ने कहा कि किबिथू देश का आखिरी गांव नहीं बल्कि पहला गांव है। किबिथू की ये धरती जहां से भारत की शुरुआत होती है, और एक गांव भारत की शुरुआत का गांव। प्रधानमंत्री जी ने पूरी बात को अलग तरीके से सम्मान के साथ रखा है। पहले जब मध्य भारत से कोई आता था तो कहता था कि मैं भारत के अंतिम गांव में जाकर आया, और अब जब यहां जैसे मैं वापिस जाऊंगा मेरी पोती को बताऊंगा कि मैं भारत के पहले गांव में जाकर आया हूं। गृहमंत्री ने कहा कि सीमा की सुरक्षा देश की सुरक्षा है, और इसको ध्यान में रखते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बुनियादी ढांचे के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। श्री शाह ने कहा कि 2014 से पहले तत्कालीन केंद्र सरकारों की गलत नीतियों के कारण संपूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र को अशांत और समस्याग्रस्त क्षेत्र माना जाता था, लेकिन केवल 9 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रयासों के कारण पूर्वोत्तर को देखने का नजरिया बदल गया है। इसे अब देश के विकास में योगदान देने वाले क्षेत्रों में से एक माना जाता है। श्री शाह ने कहा कि इस अल्पावधि में इस क्षेत्र के 8,000 से अधिक उग्रवादियों ने समर्पण किया। स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में कोविड मॉक ड्रिल का जायजा लिया। डॉ मांडविया ने अस्पताल के विभागाध्यक्ष, डॉक्टरों, नर्सों और स्टाफ से बातचीत की। देशभर के सरकारी और निजी अस्पतालों में कोविड प्रबंधन से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा के लिए 2 दिन तक राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित किया जा रहा है। इस दौरान अस्पतालों में कोविड की रोकथाम और प्रबंधन के लिए दवाओं, आईसीयू बेड और मेडिकल ऑक्सीजन सहित उपलब्ध संसाधनों का आकलन किया गया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे अपने साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में बढ़ते कोविड संक्रमण से निपटने की तैयारियां विषय पर चर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में नीति आयोग के सदस्य और कोविड प्रबंधन संबंधी अधिकार प्राप्त समूह के अध्यक्ष डॉ वीके पॉल भाग लेंगे। श्रोता विशेषज्ञ से कोविड संक्रमण से निपटने के लिए बचाव के उपाय, उपचार और इससे जुड़े प्रश्न पूछ सकते हैं। टेलीफोन नंबर है 011-23-71-7106 और 011-233-1-4444। श्रोता अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भी भेज सकते हैं। हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर भी #AskAIR से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण FM गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है।
विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पिछले 9 वर्ष में देश में स्टार्टअप की संख्या 300 गुना बढ़ी है। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय नवाचार पुरस्कार कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि 2014 में 350 स्टार्टअप की तुलना में इस समय देश में 100 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ 90,000 से अधिक स्टार्टअप हैं। उन्होंने बताया कि इसी अवधि में जैव प्रौद्योगिकी स्टार्टअप की संख्या भी लगभग 50 से बढ़कर 6,000 हो गई है। डॉक्टर सिंह ने इसका श्रेय 2016 में आरंभ हुई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष स्टार्टअप योजना और अंतरिक्ष तथा जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में निजी भागीदारी शुरू करने को दिया। ये समाचार हमारे वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महिलाओं और बच्चों सहित सभी उपयोगकर्ता की डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। श्रीमती ईरानी ने कहा कि महिलाओं की डिजिटल सुरक्षा के प्रति और अधिक सतर्क रहना जरूरी हो गया है, क्योंकि इस डिजिटल युग में उनकी छवि गलत ढंग से प्रस्तुत की जा रही है। आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी खातों का उल्लेख करते हुए श्रीमती ईरानी ने कहा कि ऐसे खातों की पहचान और उन्हें हटाने के लिए एक तंत्र होना चाहिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देश में तनाव और दबाव को खत्म करने की संस्कृति विकसित करने की अपील की। नई दिल्ली में विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल केवल चिकित्सा उपचार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एक व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सेहत और एक समुदाय का सामाजिक और आर्थिक परिवेश भी शामिल होता है। इस वर्ष भारत हैज द प्रेसिडेंसी ऑफ G20। क्या मोटो दिया है, हजारों साल की संस्कृति का निचोड़ है, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, और बिना स्वास्थ्य के फ्यूचर हो नहीं सकता। हमारी आस्था वसुदेव कुटुम्बकम, ये महाउपनिषद का एक मंत्र है, और जब इस विचारधारा से हम जुड़े हुए हैं तो निश्चित रूप से पहला सुख निरोगी काया। विश्व और जन कल्याण के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है। भारत और वियतनाम ने संयुक्त राष्ट्र समुद्र विधि समझौता सम्मेलन UNCLOS के महत्व पर जोर देते हुए यथास्थिति को बदलने वाली एकतरफा कार्रवाइयों और धमकियों को खारिज किया है और किसी भी विवाद का हल अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आज नई दिल्ली में वियतनाम के सार्वजनिक सुरक्षा मंत्री तो लाम के साथ द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग पर प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने सागरमाला नवाचार और स्टार्टअप नीति का मसौदा जारी किया है। इस मसौदा नीति का उद्देश्य समुद्री क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप और अन्य संस्थाओं को मजबूती प्रदान करना है। पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को स्टार्टअप नीति दी। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना वर्ष 2021-22 के राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक ASEEI में शीर्ष पर हैं। ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने आज नई दिल्ली में ये रिपोर्ट जारी की। चार राज्य असम, हरियाणा, महाराष्ट्र और पंजाब 50 और 60 के बीच स्कोर के साथ अचीवर श्रेणी में हैं। इसके अलावा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम और चंडीगढ़ अपने अपने राज्य समूह में शीर्ष स्थान करने वाले राज्य हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राजस्थान की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी अजमेर और दिल्ली के बीच चलेगी तथा जयपुर, अलवर और गुड़गांव में रुकेगी। नई वंदे भारत एक्सप्रेस 5 घंटे 15 मिनट में दिल्ली और अजमेर के बीच की दूरी तय करेगी। अब सुनिए आकाशवाणी के लोकप्रिय कार्यक्रम प्रधानमंत्री की मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है वर्षा जल संरक्षण। लोग, आवाज और सीधा संवाद, यानी आपके हम सब के मन की बात। जी हाँ, ऐसे ही करोड़ों लोगों से जुड़ जाते हैं हमारे प्रधानमंत्री। हर महीने मन की बात प्रोग्राम के साथ आकाशवाणी पर ये सिलसिला इस महीने
यानी अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इसी विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। गर्मियां आती नहीं कि पानी के लिए हाहाकार मचना शुरू हो जाता है। प्रकृति बारिश के जरिए हमें पानी का अनमोल उपहार देती है, लेकिन दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि इसका समुचित उपयोग नहीं हो पाता। अगर बारिश के पानी का सही संरक्षण कर लिया जाए, पानी का दुरुपयोग ना हो, तो कोई वजह नहीं कि दुनिया को जल संकट झेलना पड़े। दूसरे कार्यकाल से पहले मन की बात कार्यक्रम में 30 जून 2019 को प्रधानमंत्री ने पानी की इसी समस्या पर अपनी राय जाहिर की। पानी की कमी से देश के कई हिस्से हर साल प्रभावित होते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि साल भर में वर्षा से जो पानी प्राप्त होता है उसका केवल 8% हमारे देश में बचाया जाता है, सिर्फ 8%। अब समय आ गया है इस समस्या का समाधान निकाला जाए। मुझे विश्वास है हम दूसरी और समस्याओं की तरह ही जन भागीदारी से, जन शक्ति से 130 करोड़ देशवासियों के सामर्थ्य, सहयोग और संकल्प से इस संकट का भी समाधान कर लेंगे। मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला आप सुन सकते हैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और रात 9:15 बजे समाचार संध्या में। निर्वाचन आयोग ने आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। आयोग ने तृणमूल कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा वापस ले लिया है। भारतीय वायुसेना और अमेरिका की वायुसेना के बीच आज से कॉप इंडिया 23 युद्धाभ्यास शुरू हुआ। 11 दिन चलने वाला यह अभ्यास पानागढ़, कलाईकुंडा और आगरा वायुसेना स्टेशनों पर आयोजित किया जा रहा है। इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच आपसी समझ बढ़ाना और उनकी सर्वोत्तम पद्धति को साझा करना है। बेंगलुरु में आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से हो रहा है। लखनऊ की टीम टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रही है। बेंगलोर ने ताजा समाचार मिलने तक 17 ओवर में एक विकेट पर 160 रन बना लिए हैं। विराट कोहली 61 रन बनाकर आउट हुए। मोनाको के मोंटे कार्लो टेनिस टूर्नामेंट में भारत के रोहन बोपन्ना और ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू बेडन की जोड़ी ने पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के उधमपुर के आईटीआई कॉलेज में आज प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षुता मेले का आयोजन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना को साकार करते हुए कौशल भारत मिशन के अंतर्गत देश के युवाओं के लिए करियर के अवसरों को बल देने के लिए इसका आयोजन किया गया। आईटीआई उधमपुर के अधीक्षक नरेश सिंह ने आकाशवाणी से बातचीत की। इस प्रोग्राम का मेन मकसद ये है कि हमारी जो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसको रूट लेवल तक पहुंचाया जाए, डिस्ट्रिक्ट लेवल तक पहुंचाया जाए। इसमें मेन दो पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट्स एंड स्टूडेंट्स। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम स्पेशली फॉर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए तभी स्टार्ट की हुई है क्योंकि इंडस्ट्रीज को एज पर देयर रिक्वायरमेंट उन्हें स्किल्ड कैंडिडेट्स मिल जाते हैं, और हमारे स्टूडेंट्स को क्या होता है कि हमारे स्टूडेंट्स को एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिल जाती है। बम्बई शेयर बाजार का संविदित सूचकांक आज 14 अंक बढ़कर 59,847 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 25 अंक चढ़कर 17,624 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने अरुणाचल प्रदेश के केबीथू में वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा केबीथू देश का पहला गांव है, आखिरी नहीं। स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने मॉक ड्रिल के अंतर्गत कोविड से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में स्टार्टअप की संख्या 300 गुना बढ़ी। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को महिलाओं, युवाओं और बच्चों की डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के साथ मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।